Hey guys, what is up? Welcome back to my YouTube channel. आज जो वीडियो है वो बहुत 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 मेरे दिल के करीब है, बहुत स्पेशल वीडियो है और एक बहुत बहुत बड़ी न्यूज़ है मेरे लाइफ की जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ. दैट फाइनली 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 आई बॉट माई ओन हाउस इन मुंबई. ड्रीम है ये, ड्रीम. मतलब मैं प्रोसेस तो भूल ही जाऊँ, मुझे मैं सच बता रही हूँ, इट्स अ वेरी नंब फीलिंग राइट नाउ. आई एम नॉट एबल टू सिंक इन दैट फीलिंग के मेरा खुद का घर हो गया है. आई थिंक जब हम रहने जाएंगे तब वो एहसास होगा और ईएमआई भरते भरते एहसास होगा कि फाइनली खुद का घर ले लिया है. बहुत हिम्मत करके, जो एक ड्रीम है मेरा, एक फाइनल गोल था कि यार एक घर लेना है. मतलब मुझे, मतलब एक एंड गोल होता है ना, आप वो ही समझ लो. डेफिनेटली आप और भी बड़े गोल्स आते जाते हैं दैट यू हैव टू सस्टेन. आपको अपना बिजनेस या आपका वर्क कैसे बढ़ाना है, वो सब चीज़ों में डेफिनेटली गोल्स हमारे बढ़ते जाते हैं. बट एक लाइफ का रहता है ना यार कि यार घर खरीदना है खुद का, वो अल्हम्दुलिल्लाह 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 हो चुका है. तो मैं जल्दी जल्दी आपको बताती हूँ कि कैसा हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मेरे खुद के लिए बर्थडे गिफ्ट है. ये इसमें मैंने वीडियो बनाया तो है, बट सच बताओ तो ये मैंने लास्ट ईयर ही ले लिया था. मुहर्रम के टाइम मुझे कीज मिली थी. सो बहुत ऑस्पिशियस डे पर भी हुआ था सब कुछ, और कुरान खानी सब लास्ट ईयर हो चुकी है. वो सबकी क्लिप्स मैं अभी ऐड करूँगी और फिर मैं जल्दी जल्दी स्टोरी बताऊँगी. अरे क्या बोल रहे हो, तुम आते रहेंगे क्या? क्या चाबी की, चाबी नहीं दे रहे तुझे? तो क्या दे रहे तुझे? हाथ दे रहे थे विश कर मुझे. असली में विश करा था तो बोलती है कैमरा में विश कर, असली में कर रहा है क्या? मैं बोला अरे असली लाइफ में विश कर रहा हूँ, कैमरा से भी अच्छी लाइफ है. कॉन्ग्रेचुलेशन कैमरे के लिए फेक लगेंगे उसके लिए, रियल मोशन कैप्चर करने के लिए. हाँ, तो आपने देख लिया होगा कि मतलब ये बहुत अलग फीलिंग है. मैंने ऐसा सोचा था सपने में कि वो की हाथ में देना, ये वो ना, वो कैसा फीलिंग होता है पता नहीं, बट मैं वो जी चुकी हूँ. और सच बताओ तो वो, मतलब वो ऐसा कोर मेमोरी बन गई है मेरे जिंदगी की. एंड आई वांटेड टू शेयर ईच एंड एवरी थिंग विद यू, एंड दैट्स व्हाई आई एम गोना टॉक अ लॉट. सो प्लीज बेयर विद मी. एंड वीडियो के एंड में आपको एम्प्टी हाउस टूर देखने मिलेगा. ठीक है, तो शुरू से बताती हूँ कि मैं जो ये घर में रह रही हूँ, आपने देखा ये हाउस टूर पहले, ये घर का बहुत ही दिल से बनाया था मैंने ये रूम भी. बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर द ओनर ऑफ दिस हाउस कॉल्ड अस एंड टोल्ड अस कि हमें मूव आउट होना पड़ेगा. तो हमने कहा कि ठीक है, मूव आउट तो होते हैं बट थोड़ा टाइम दीजिए, हम लोग जब तक नेक्स्ट प्लेस ढूंढ नहीं लेते हैं. थैंकफुली द ओनर गेव अस अ लॉट ऑफ टाइम. इनफैक्ट अभी भी हम यहाँ पे रह रहे हैं जब तक वहाँ पे काम चल रहा है. सो अगर यहाँ से हमें निकलना पड़ता तो बहुत दिक्कत होती. अगेन कट टू, उन्होंने हमें कॉल किया निकलने के लिए एंड हमने कहा थोड़ा टाइम दीजिए. हम निकल पड़े 4 BHK की तलाश में. तो हमने 4 BHK बहुत देखा बहुत देखा. मुंबई में घर बहुत छोटे हैं. मैं चाहती थी 4 bedroom बिकॉज आई वॉन्टेड 1 studio रूम फॉर माई सेल्फ, 1 bedroom, 1 mom dad's room एंड 1 Mohammad Ali's room. बिकॉज 3 BHK में थोड़ा ना मुझे सामान का और ये वो लेकर दिक्कत हो रही थी. मेरे पास बहुत सामान रहता है फॉर शूट, लाइक इक्विपमेंट्स, ये सब बहुत बहुत चीज़ें होती है. तो हम लोग 4 BHK की तलाश में निकले 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 एक बिल्डिंग में. बहुत अच्छा लगा हमें घर एंड हमने कहा कि ये फाइनल है. लाइक आई वॉज, मैं ऐसा सोल्ड हो गई थी एक ही मिनट में. आई वाज लाइक आई वांट दिस हाउस एनी हाउ. मतलब 4 BHK और वो बहुत अच्छे प्राइस में रेंट पर हमें मिल रहा था एंड आई वाज वेरी हैप्पी एंड रिलीव्ड कि ठीक है चलो इसके बाद अभी यहाँ से कम रेंट देना पड़ेगा. थोड़ा थोड़ी दूरी पर है बट एटलीस्ट आई हैव बिगर स्पेस, गुड लाइट एंड एवरीथिंग वाज सॉर्टेड. तो हमने ओनर से बात किया. ओनर ने कहा ठीक है, मैं अब्रॉड हूँ एंड आई कम बैक इन 2 months एंड देन आई फाइनलाइज. तो हमने सोचा ठीक है, 2 महीना हमारे पास भी है. तो हमने उनसे बोला ठीक है, आप प्लीज़ किसी और को मत दिखाना घर, हमें देना,
हमने नेगोशिएशंस भी नहीं किए उनसे ज़्यादा, बिकॉज आई लाइक वी वर लाइक के फाइनल है फाइनल है फाइनल है. फिर वो 2 महीने के प्रोसेस में हम जब तक वेट कर रहे थे, तब वो ही ब्रोकर ने हमें कहा कि आप लोग अगर रेंट पर ले ही रहे हो, आई वुड सजेस्ट ट्राई इन्वेस्टिंग इन अ हाउस बिकॉज आई हैव अ हाउस विच आई थिंक यू विल लाइक इट. मतलब अच्छे अमाउंट में मिल रहा है, नॉट वेरी एक्सपेंसिव बट गुड, लाइक डिसेंट, नॉट डिसेंट, लाइक गुड अमाउंट डेफिनेटली. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी हिम्मत कर सकूँ उतने अमाउंट का था घर. हमने बोला ठीक है चलो, हम पहले थे कि नहीं नहीं ठीक है हमें 4 BHK मिल गया है, वो जो है हम, वो ओनर आएंगे 2 महीने बाद तो हम वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे. बट ही वाज लाइक नहीं एक बार देख लो बिकॉज क्या ही जाएगा. उसने हमें फिर एक आइडिया दिया कि आप वो 3 BHK रेंट पर दे दो, फिर वो रेंट जो आएगा उससे आप 4 BHK का रेंट थोड़े पैसे और डाल के दे देना. तो हमने कहा ये आइडिया अच्छा तो है, तो जाके देख ही लेते हैं वो फ्लैट. हम गए, हमें फ्लैट बहुत अच्छा लगा एंड हमने सोचा कि कैसे करेंगे क्या करेंगे, हाउसिंग लोन ये वो का चक्कर, बहुत चीज़ें, बहुत बहुत सारा. सच बताओ बहुत डर आ गया था मुझे कि ये सब कैसे होगा. एंड मैंने तो मन में सोचा था लेट्स सी आगे देखेंगे. बट मेरे डैड ने भी हिम्मत दिखाई, मॉम ने भी हिम्मत दिखाई एंड हम लोग बोले कि ये स्टेप उठा ही लेते हैं, मतलब लेना तो है ना आज या कल में. तो इट्स अ गुड डील, अच्छी डील थी, वी वर इंटरेस्टेड. मेरा लोन अप्रूव हो गया था, देन हमने कहा कि चलो बिस्मिल्लाह कर देते हैं. हम लोग ने फिर वो घर ले लिया. मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है बोलने के लिए. एंड दैट टाइम वी वर सो हैप्पी बिकॉज वी थॉट 5 of us विल शिफ्ट इन दैट 4 BHK एंड ये सब होगा. आई रिमेंबर वेरी वेल दैट ये दोनों डील ऑलमोस्ट लॉक हो गई थी, दैट वी वर गेटिंग द 4 BHK ऑन रेंट एंड 3 BHK वी वर बाइंग. देन आई केम होम एंड आई टोल्ड टाइगर दैट लाइक बी रेडी, वी गोना शिफ्ट इन टू अ बिगर हाउस, दैट यू विल गेट बिगर स्पेस टू प्ले. आई स्टिल रिमेंबर दैट. अनफॉर्चुनेटली हम 5 तो नहीं जा पाएंगे, हम 4 जाएंगे वहाँ पे. जितनी खुशी दूसरे घर में शिफ्ट होने के लिए, उतना ही दुख है कि आई विल हैव टू लीव दिस हाउस जिसमें टाइगर की बहुत सारी मेमोरीज हैं. बट आई एम श्योर ही वॉज वेरी प्राउड, मतलब वो अच्छा फील कर रहा होगा आई थिंक जब मैंने उससे बोला था. तो हम 4 शिफ्ट होएंगे विदाउट टाइगर, बट वी मिस हिम अ लॉट, वी मिस हिम अ लॉट. एनीवे बैक टू द स्टोरी दैट हम लोग फिर वो 4 BHK में शिफ्ट होने वाले थे, बट अचानक से वो जो ओनर है उसे डिसाइड कर लिया दैट ही डजंट वांट टू गिव द हाउस ऑन रेंट. फिर हमने बोला अब क्या करें, अब फिर से 4 BHK ढूंढने निकले हैं. व्हेन फिर और अच्छे 4 BHK नहीं थे वो बिल्डिंग में, सब ऑक्यूपाइड थे. देन मॉम ने बोला कि डैड ने ही बोला कि अभी 3 BHK जो हमने घर ले लिया है हिम्मत करके, उसी में थोड़े पैसे डाल के इंटीरियर भी कर लेंगे. बिकॉज अगर मैं 4 BHK लेती डेफिनेटली मैं उसमें खर्चा करती, जैसे मैंने ये घर में भी किया था. ये घर हमारा नहीं था फिर भी मैंने बहुत खर्चा किया है. तो बोलते तू वो रेंट पर लेती तो उसमें भी खर्चा करती, फिर तू अपना घर भी थोड़ा बनाना पड़ता, खर्चा करना पड़ता रेंट पर देने से पहले, तो उससे अच्छा 3 BHK में ही रह लेते हैं. तो मैंने कहा कि 3 BHK में ठीक है. हमने 2 BHK के भी 2 घर जोड़ी घर देखने का ट्राई किया, इतने अच्छे नहीं लगे. ऐसे भी टाइम आ गया था दैट हमें 2 अलग अलग घर लेने का भी आइडिया दिया. मेरे मॉम डैड ने कहा कि चाहिए तो तुझे अगर 4 BHK चाहिए तो 2 BHK लेकर अलग अलग थोड़ा दूर दूर, मतलब 5 मिनट के डिस्टेंस पे ऐसे बिल्डिंग में लेते हैं, ताकि एक घर में तू काम और रह पाएगी और एक में हम रह पाएंगे ऐसा कुछ. तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं रहना है तुम लोग के बगैर या अलग से नहीं रहना है, चलेगा जगह कम है, साथ में रहना है. वो मेरे लिए सबसे 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 बड़ी प्रायोरिटी थी कि स्टूडियो तो है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, इवन हमें इसका बंगलो है, कभी शूट वूट होता है वहां पे भी जा सकती हूँ. कि फैमिली के साथ रहने के जितने भी दिन है आई डोंट वॉन्ट टू लूज ऑन इट. मुझे मेरे मॉम डैड के साथ ही रहना है. शादी होगी ऑब्वियसली हमें अलग घर में जाना पड़ता है, बट उससे पहले तो बिल्कुल भी अलग नहीं रहना है मुझे. तो मैं जल्दी जल्दी मैं बताती हूँ, मैं बहुत देर से बात कर रही हूँ. हाँ, फिर हमने सोचा कि 3 BHK में रह लेंगे, थोड़ा ऐसे मतलब बना लेंगे थोड़ा तोड़ फोड़ के, या यू नो ऐसे चीज़ें रूम छोटे बड़े करके जो यू नो ब्रेकेबल वॉल्स से थोड़ा खेल वेल कर स्टोरेज निकाल लेंगे, ताकि मेरा भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मैं मॉम डैड के साथ रह सकूँगी
एंड शूट भी हो पाएगा घर में ही। बहुत बहुत प्यारी बालकनी भी है जिसमें मैं शूट भी कर सकती हूँ। सो मैंने सोचा हाँ चलो 4 BHK ना सही 3 BHK में एटलीस्ट साथ में खुशी खुशी रह लेंगे। अगेन आई एम सो इमोशनल, बहुत अलग ही फीलिंग है ये और बहुत हिम्मत करनी पड़ती है। अगर आपके भी दिमाग में कभी भी ऐसा है कि घर लेना है कुछ भी करना है, बहुत सवाल आते हैं बट दुआ पढ़ के एक होता है ना एक हिम्मत, डर बहुत लगता है, वो एक कर लेने का, एक शुरुआत कर लेने का ऊपर वाला अपने आप रास्ता बना लेता है। सो आई होप आप सब, डेफिनेटली हर किसी का सपना होता है ऐसा, मैं चाहती हूँ हर किसी जो भी ये वीडियो देख रहा है इंशाल्लाह आप सबको 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 अपने अपने ड्रीम हाउस, ड्रीम कंट्री, ड्रीम ह्यूमन बीइंग, ड्रीम जो भी ड्रीम वर्क जो भी हो इंशाल्लाह आप सबको सब कुछ मिल जाए। आई एम रियली हैप्पी, मतलब मैं बहुत हैप्पी मूड में हूँ एंड मैं चाहती हूँ आप सब 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 भी बहुत खुश रहे। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो आप सब ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, आपने मेरी जर्नी देखी है एंड यू हैव बीन विथ मी थ्रू थिक एंड थिन, सो थैंक यू सो मच। एंड नाउ आई एम गोना शो यू द हाउस टूर जो मैंने शूट किया था बहुत टाइम पहले। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंजॉय द हाउस टूर। तो फाइनली वो टाइम आ गया है जब मैं आपको एम्प्टी हाउस टूर देने वाली हूँ मेरे अपने घर का। जो ये मेरा अपना घर होता है ना, ये हमेशा से सोचा था कि ये बोलूंगी बट वो मैं मोमेंट लिव कर रही हूँ, जी रही हूँ। इट्स सो ओवरवेलमिंग, आई कैन नॉट प्रोसेस व्हाट एवर इज हैपनिंग, आई एम रियली इमोशनल। सो यस, आप देखो घर अभी थोड़ा उठा पुटा है बट आपको बस मैं एक लेआउट बताना चाहती थी कि कैसा होने वाला है। वेलकम, पहले तो आप सलाम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ये इमोशनल हो गया थोड़ी, सो हम स्टार्ट करते हैं। ये तो दिख ही रहा है, जाहिर सी बात है ये होने वाला है हमारा लिविंग रूम। लिविंग रूम के साथ है जो घर लेने का मेन पर्पस था, जो बालकनी है, बड़ी सी बालकनी। अगर देखा रहेगा लास्ट घर जहाँ पे मैं रेंट पर थी वहाँ पे जो बालकनी थोड़ी छोटी थी बट बहुत ब्यूटीफुल थी, यहाँ पर अच्छी है, यहाँ पे बाहर बैठ सकते हैं। यू नो डैड को हमेशा से रहता था कि पेपर पढ़ना है बाहर खिड़की में और यू नो बालकनी में कहीं, तो उनके लिए परफेक्ट जगह है। मैं ये बहुत फास्ट फास्ट दिखाने वाली हूँ गाइस, क्योंकि जब घर एक्चुअली बन जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या कहा चेंज किया है। ये तो होने वाला है पाउडर रूम जो लिविंग रूम में होगा, अगर हैंड वॉश करना है, डाइनिंग यहाँ पर डाइनिंग एरिया होगा तो डाइनिंग एरिया में जब खाना खाके हो गया है कुछ तो उसके लिए पाउडर रूम है, छोटा सा वॉश बेसिन और WC होगा वहाँ पे। यहाँ पे तो सोफा होगा और TV कैबिनेट होगा जो नॉर्मल होता है, नथिंग मेजर। मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, हर बार की तरह मैं इस टाइम भी इतने सारे एस्थेटिक्स में कंफ्यूज थी, मुझे ये भी करवाना है वो भी करवाना है, मुझे डार्क एस्थेटिक भी पसंद है मुझे लाइट एस्थेटिक भी पसंद है। मैं ऐसी हो गई कि इतने सारे इसमें कंफ्यूज थी बट थैंक्स टू DA इंटीरियर्स जिसमें से आकृति और रोमिला ने मुझे बहुत हेल्प की है, उन्होंने मेरे साथ बैठकर सिंप्लीफाइड वर्जन जो मेरे 1000 चीज़ें घूम रही थी दिमाग में उसका एक बोलते हैं ना एक हम सब एक लेवल पर आए और एक चीज डिसाइड किया है। मोस्ट ऑफ माय इंटीरियर आई हैव केप्ट इट वेरी मिनिमल मिक्सचर ऑफ फ्यू थिंग्स व्हिच आई लाइक। इतने सारे अलग अलग चीजें पसंद थे कि मैंने हर जगह आई थिंक थोड़ा थोड़ा इनकॉर्पोरेट करने का ट्राई किया है, वो आपको दिख जाएगा बनने के बाद, फिंगर्स क्रॉस्ड है। मैं भी बहुत वेट कर रही हूँ, बहुत मेहनत लग रही है, भागम दौड़ी हो रही है। तो आप सोचोगे आजकल मैं इनएक्टिव क्यों हूँ, आजकल नहीं मतलब आज से 2-3 महीने पहले, ये वीडियो पोस्ट होने से 2-3 महीने पहले मैं थोड़ी इनएक्टिव थी। इट्स बिकॉज पूरा टाइम यहाँ पे थोड़ा रहना पड़ता है एंड उस समय भाग लग रहा है। सो लेट्स गो। तो घुसते साथ ही आप जब घुसोगे तो आपके राइट हैंड साइड पर आएगा ये किचन। मम्मी का हर बार किचन को लेकर बहुत वो रहता था कि यार मुझे ऐसा किचन चाहिए एक दिन, यू नो ऑब्वियसली मॉम्स को पसंद है, वो पूरा टाइम यहाँ रहती है तो आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी ब्यूटीफुल फॉर हर। लोग बोलते हैं किचन में क्यों स्पेंड करना है क्या नहीं, बट मुझे मेरी मॉम के लिए करना है सो दैट वो यहाँ पे रहती है ज़्यादातर और उनके लिए कन्वीनियंट हो कि मतलब ज़्यादा गर्मी ना हो, जगह कम हो रखने के लिए तो स्ट्रेस में आ जाती है। तो जितना हो सके उनकी लाइफ में ट्राई कर रही हूँ कि अच्छा करने के, वही एम है सबका, वही एम होना चाहिए। सो चलो अभी किचन का तो पता ही है किचन है, किचन में क्या ही बनेगा। इस तरफ है मेरे छोटे भाई का भी चाचा, तो उसका भी बेडरूम मैं आपको बताती हूँ यहाँ से इधर उसका ये प्लेन वॉल था बट आई हैड टू एक्सटेंड दिस फ्रॉम माय बाथरूम, वो मैं आपको बताती थी, समझ ही गए होंगे बट एनीवेज उसमें हम उसका वॉशरूम बना रहे हैं सो दैट्स स्टिल इन प्रोग्रेस। उसको थोड़ा
डार्क एस्थेटिक पसंद है तो उसका रूम इवेंचुअली कुछ ग्रे या ब्लैक ही होने वाला है एंड वो ही रूम टूर देगा, मुझे तो अलाउ नहीं करेगा वो रूम टूर देने। ये है मेरे मॉम डैड का रूम जिसकी एंट्री यहाँ से है, बट यहाँ पे हमने दीवार तोड़ा है उसका एक रीज़न है, वो भी आपको पता चल जाएगा बहुत जल्द। जब खुद का घर होता है ना गाइस, सो यू कैन ईजीली प्ले अराउंड विद द वॉल्स। डेफिनेटली जो पिलर वॉल है वो आप हाथ नहीं लगा सकते, या जो इम्पोर्टेंट वॉल है वो नहीं हाथ लगा सकते। थोड़ा बहुत अगर आपको लेआउट में चेंजेस करने मिल जाता है, यू नो, बिकॉज इट्स योर हाउस यू कैन डू एनीथिंग एंड यू कैन स्पेंड। बिकॉज मैंने इतना खर्चा किया है रेंटेड हाउस में, तो अभी मुझे ऐसा लगता है जब मैं खुद का घर ले रही हूँ तो थोड़ा तो कर सकती हूँ खर्चा। ये मॉम डैड का रूम है, उनका यहाँ पे वॉशरूम है, सो ये इनका शावर एरिया होगा, ये WC वॉश बेसिन जो भी बनने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। अब तक कुछ हुआ नहीं है, मतलब काम चल रहा है आप देख सकते हैं। अब बता दें मैं मेरा बेडरूम, सो मेरा रूम यहाँ से खुलने वाला है। एक्चुअली ये थोड़ा पीछे था बिकॉज आई हैड टू टेक दिस कॉमन वॉशरूम इन साइड माई रूम, आई हैड टू पुट दिस फ्रेम आउटसाइड। यहाँ पे है वॉशरूम, मेरा वॉशरूम बहुत बड़ा नहीं है, अभी सब चीजें आएंगी तो बहुत नैरो हो जाएगा। यहाँ पे आएगा मेरा बाथटब, जिसकी वजह से मेरे को मेरे भाई की दीवार थोड़ी उसकी रूम की दीवार मुझे अंदर लेनी पड़ी, कोई नहीं इतना तो कर सकता है मेरे लिए। काफ़ी अच्छा स्पेस मिला है मुझे क्लोजेट के लिए, बिकॉज एज यू गाइस नो मेरे पास बहुत बहुत सामान है शूट के लिए। एंड जैसे मैंने इंट्रो में बताया कि 4 BHK लेने का एम था मेरा, बट डेफिनेटली बजट के बहुत बाहर जा रहा था एंड मुझे मॉम डैड से अलग नहीं रहना था। लाइक हम सोचे थे कि 2 bedroom और एक 1 BHK अलग अलग लेते हैं, ऐसा कुछ। आई नॉट वॉन्ट टू स्टे लाइक दिस, आई वॉन्ट टू स्टे विद माई फैमिली, सो एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा, ऊपर नीचे चलता है। ये है मेरा रूम, ये रूम थोड़ा पिछले रूम जैसा ही दिखता है, बस एक एडिशन है जो कि है ये प्यारी सी बालकनी। बालकनी नहीं, इसे तो डेक बोल देना चाहिए क्योंकि इतना डेक ही बोलेगा आई गेस, ये इतनी ह्यूज है। ये मैं मेनली रखने वाली हूँ अपने शूट के लिए एंड यूज इट एज अ शूटिंग रूम, एक स्टूडियो बना दूंगी। और काफी लोगों ने ऐसे सिमिलर घर दूसरों के भी देखे रहेंगे, मैं नाम नहीं लूंगी। सो यस इट्स अ गुड न्यूज, किसका घर ऐसा सिमिलर वाइब देता है कमेंट सेक्शन में बताओ। दैट्स इनफ, अभी फिलहाल बता नहीं पाऊंगी क्योंकि सब कंस्ट्रक्शन में है, बहुत मेहनत चल रही है, मैं जितना हो सके काम भी करने का ट्राई कर रही हूँ सो दैट यू नो मैं इन्वेस्ट भी कर पाऊँ इसमें वापस। घर लेने की जो फीलिंग है, आई वॉन्ट टू स्प्रेड, मतलब मैं अपनी सारे क्या बोलते हैं ब्लेसिंग्स और प्यार देना चाहती हूँ कि आप सबको भी ये जो फीलिंग है वो फील करने का मौका मिले, अपने पेरेंट्स को प्राउड करने का मौका मिले इंशाल्लाह। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वॉट एवर आई एम इज़ बिकॉज ऑफ यू गाइस, सो प्लीज़ थिंक कि ये आपका ही आपका भी घर है, बट ऐसा नहीं है कि आपका भी घर है सब आ जाएगा नहीं, मतलब कि आप सबके प्यार से बनाइए घर, तो बहुत स्पेशल है मेरे लिए। कभी 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 इतनी खुशी नहीं हुई है, लाइफ का एक गोल होता है ना, वो मेन ये गोल था मेरा। एंड जो पुराने घर से अभी तक का जो सफ़र है वो काफ़ी काफ़ी अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर वाले ने बहुत बहुत कुछ दिया है, जितना मांगा था उससे ज़्यादा दिया है, सो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवर ग्रेटफुल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर द चेंज ओवर, क्योंकि आपको देखने मिलेगा कि कैसा दिख रहा है अभी ये बनने के बाद। थैंक यू सो मच।